नमस्कार दोस्तों आई एम मनीष पाल अ ट्रेवल ब्लॉगर फ्रॉम इंडिया सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ स्पीति की पूरी जो आइटनरी होती है मैं उस सबके बारे में आज बात करने वाला हूँ इससे पहले मैंने स्पीति से रिलेटेड दो वीडियोस बनाए हैं एक वीडियो वो वाली है जो मैं दिसंबर के लास्ट वीक में स्पीति गया था इस वाली वीडियो में मैंने अपनी विंटर स्पीति के एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और उसके बाद में मैंने एक और वीडियो बनाई है स्पीति से रिलेटेड वो ये है कि जब आप विंटर में स्पीति जा रहे हैं तो आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है और इस वाली वीडियो में मैं आपको एक स्पीति की परफेक्ट आइटनरी बताने वाला हूँ और इस आइटनरी में मैंने दोनों ही लोगों को ध्यान में रखा है मैंने उन लोगों को भी ध्यान में रखा है जो अपना पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं और मैंने उन लोगों को भी ध्यान में रखा है जस्ट लाइक मी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं और ये आइटनरी आप समर्स और विंटर दोनों में यूज़ में ले सकते हैं अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो कैसे आपको यूज़ करनी है समर में जा रहे हैं तो इस आइटनरी को आपको कैसे यूज़ करना है वीडियो में मैं आगे, आगे आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा और ये जो आइटनरी होने वाली है वो पूरा दस दिन के लिए होने वाली है अगर आप चाहें तो इसको सात या आठ दिन में भी कर सकते हैं उसके लिए आपको एक दो जगहों को अपनी लिस्ट से निकालना पड़ेगा तो वो आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपके पास में कितने दिन हैं और आपको क्या क्या देखना है बेसिकली तो आप उस हिसाब से अपने जो प्लेसेस हैं स्पीति में घूमने के लिए आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं स्पीति वैली के बारे में तो सबसे पहले स्पीति इज अ कोल्ड डेजर्ट जैसे कि आपको पता है लद्दाख भी कोल्ड डेजर्ट है तो स्पीति लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में और अगर मैं स्पीति वैली की हेडक्वाटर की बात करूँ तो काजा इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ़ स्पीति वैली लाहौल और स्पीति दो अलग अलग हैं बेसिकली कुंजुम पास के इस तरफ वाला एरिया वो जो कि लाहौल रीजन में आता है और कुंजुम पास के इस तरफ वाला एरिया स्पीति रीजन में आता है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी एक दो बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एरिया वाइज ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है अब आते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन पर कि विच रूट यू शुड टेक आपको कौन सा रूट लेना चाहिए स्पीति के लिए तो सबसे पहले तो स्पीति जाने के दो तरीके हैं एक शिमला होते हुए एक मनाली होते हुए लेकिन जो मनाली वाला रूट है वो आप विंटर्स में नहीं कर सकते क्योंकि आगे रोहतांगला और कुंजंगला बंद हो जाता है तो फिर वो रूट आप नहीं कर पाएंगे तो जब अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आपको शिमला वाला रूट ही लेना पड़ेगा और अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो आप कोई सा भी रूट ले सकते हैं पर मेरे हिसाब से आपको शिमला वाला रूट लेना चाहिए मेरे पास उसके लिए दो तीन रीजनस हैं मनाली वाला रूट ना लेने का सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि मनाली में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है मतलब शिमला में भी रहती है लेकिन मनाली में जो भीड़ होती है वो ले जाने वालों की भी होती है और आगे क्योंकि वहाँ पे अटल टनल भी है वहाँ पे रोहतांग पास भी है तो इस वजह से वहाँ पे बहुत क्राउडी होता है बहुत ज्यादा भीड़ होती है और आपको बहुत दिक्कत आएगी मैं अगर दूसरे रीजन की बात करूँ तो जितने भी एडवेंचर हैं आपके लिए वो सारे एक या दो दिन में ही खत्म हो जाएंगे आप रोतांगला क्रॉस करेंगे आप कुमला क्रॉस करेंगे उसके बाद आपका जो लैंडस्केप रहने वाला है वो एक सा ही रहेगा तो आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लेकिन अगर आप शिमला साइड से जा रहे हैं तो आप सबसे पहले आप धीरे धीरे रिकोंग पियो पहुंचते हैं उसके बाद में ताबो फिर उसके बाद में काजा पिन वैली और उसके बाद में आप चंद्रताल पहुंचते हैं फिर रोहतांग या अटल टनल जिस वाला जो वाला भी रूट ले रहे हैं आप आप वहां पहुंचते हैं और जो तीसरा बड़ा रीजन है मनाली वाले रूट से ना जाने का वो मेरे हिसाब से ये है कि एक्मेटाइजेशन अगर आप मनाली वाली साइड से जाते हैं तो सबसे पहले आप या तो रोहतांग से जाएंगे या फिर अटल टनल से जाएंगे तो अभी आपके साथ में होगा क्या मनाली से जो रोहतांग है वो 52 किलोमीटर किलोमीटर्स है और आपको तीन या साढ़े तीन घंटे लगने हैं और उसमें आप सीधा 2000 से 4000 मीटर का एलिवेशन पे आ जाते हैं जो कि तीन घंटे में आप दो किलोमीटर गेन कर लेते हैं एलिवेशन तो फिर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है इस वजह से शिमला वाला रूट इज़ बेस्ट अब बात कर लेते हैं बेस्ट टाइम स्पीति जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है मेरे हिसाब से आप स्पीति कभी भी जा सकते हैं एक दो महीने हैं मानसून वाले अगर आप उनको अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है मानसून के टाइम में जब आप किन्नौर को क्रॉस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स देखने को मिलेंगे और आगे भी जब आप चंद्रताल के आगे जाएंगे तो वहाँ भी लैंडस्लाइड और बहुत ज़्यादा ख़राब रोड मिलेगा तो इस वजह से अगर आप मानसून के एक दो महीने अवॉइड कर सकते हैं तो वो अच्छा है उसके अलावा आप विंटर्स में भी जा सकते हैं पर विंटर की एक बात यह है कि विंटर में टेम्परेचर बहुत कम होता है लाइक जिस टाइम पर मैं गया था लास्ट वीक ऑफ दिसंबर उस टाइम पर टेम्परेचर वहाँ पर उस टाइम पे टेम्परेचर वहाँ पे माइनस थर्टी तक गया था तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल की ठंड होती है तो विंटर में आपके ऊपर है रास्ता वगैरह उतना जल्दी बंद होता नहीं है वो आपके ऊपर है कि आपकी बॉडी कितना बर्दाश्त कर पाती है उस टेम्परेचर को उस हिसाब से आप देख सकते हैं अदरवाइज़ पीती बारह महीने जा सकते हैं आप हमेशा खुला रहता है बट वही चीज़ें जो अवॉइड करने वाली वो है कि अगर आप विंटर में आपसे बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होती है तो आप विंटर को अवॉइड करें और उसके अलावा आप मानसून को अवॉइड करें मानसून को तो अवॉइड करना ही चाहिए मेरे हिसाब से विंटर में जाने का एक अलग ही मज़ा है लाइक आपको माइनस थर्टी तक का जो टेम्परेचर है वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है और अगर आप लकी रहे तो आपको स्नो लेपर्ड भी देखने का मौका मिल जाता है तो विंटर काफ़ी अच्छा होता है और विंटर में स्पीति का लैंडस्केप ही टोटली डिफरेंट होता है बाकी मन से उस टाइम में टोटली एकदम वाइट स्पीति रहती है एक्चुअली तो वो एक अलग एक्सपीरियंस अब बात कर लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस के अगर मैं विंटर में बात करूं तो आपको दिल्ली से पहले तो आराम से आपको शिमला तक की आराम से बस मिल जाएगी या ट्रेन से भी जा सकते हैं आप शिमला तक शिमला के बाद में रिकॉन्गपियो आपको जाना है और वहाँ पे आपको एच आर टी सी की बस आराम से मिल जाएगी और रिकॉन्गपियो से काज़ा की एक सवेरे सवेरे विंटर्स में बस जाती है जो कि आप ले सकते हो जो सवेरे सवेरे चलती है रिकॉन्गपियो से और इवनिंग तक आपको काज़ा पहुँचा देती है तो एक ये तरीका हुआ अगर तर मैं दिल्ली से बात करूं काजा तक काजा मतलब बेसिकली स्पीति का हेड क्वार्टर आपको वहां तक पहुंचने में लगभग तीस घंटे से भी ज़्यादा लग जाएंगे तो इस तरीके से आप दिल्ली से तीस घंटे में या आप अपने जर्नी को डिवाइड करते हुए काजा पहुँच जाते हैं अब बात कर लेते हैं आइटनरी की सबसे पहले मैं बात करूँगा उन लोगों की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने वाले हैं लाइक मी जो कि सोलो जाने वाले हैं या फिर ऐसे एच वगैरह का यूज़ करने वाले हैं पहले मैं उन लोगों की बात कर लेता हूँ जो राइडर लोगों की आइटनरी है वो मैं इसके बाद में शेयर करने वाला हूं और मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इसमें मैं दिल्ली को आपका बेस लेके चल रहा हूँ मैं मान के चल रहा हूँ कि आप दिल्ली से हैं या इंडिया के किसी भी पार्ट से दिल्ली आ रहे हैं तो अब आते हैं डे वन पर डे वन में आपको दिल्ली से शिमला पहुंचना है आप चाहें तो इसको थोड़ा सा आगे नरकंडा या रामपुर तक एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन मैं आपको शिमला तक जाने की सलाह दूंगा मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा वो टिप ये है कि आप दिल्ली से जो शिमला की बस है वो शाम वाली लें जो कि अर्ली मॉर्निंग आपको शिमला पहुँचा देगी तो आप शिमला में कर कह सकते हैं शिमला में आप जो मॉल रोड है जाकू टेम्पल वाला एरिया है वो चार पाँच घंटे में ईज़िली घूम सकते हैं उसके बाद में आप जो रात की बस है रिकोंग पियोकिया वो ले सकते हैं डे टू डे uh, टू में आप अर्ली मॉर्निंग रिकॉन्गपियो पहुंच गए हैं क्योंकि आपने जो शिमला से है वो रात वाली बस ली है तो आप सुबह सुबह पाँच या छः बजे के आसपास में रिकॉन्गपियो आ गए हैं तो आप यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पे सेम डे की बस ले सकते हैं काज़ा के लिए अगर आप में बारह से तेरह घंटे बस में बैठने की ताकत है तो आप आगे की बस उसी टाइम पर एक दो घंटे बाद वाली ले सकते हैं अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप एक दिन पूरा रिकॉन्गपियो में स्टे कर सकते हैं और अगर आप रिकॉन्गपियो में स्टे कर रहे हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बस स्टैंड के आसपास में ही अपना होटल रखें ताकि आपको अगली सुबह जब आपको बस हो तो आपको उतना ज़्यादा भागना ना पड़े बस के लिए तो ये कर सकते हैं अगर आप रिकॉन्गपियो में रुक रहे हैं तो कल्पा जाना बिल्कुल भी ना भूलें कल्पा जाए वहाँ पर जाकर आप किन्नर कैलाश का एक अच्छा सा व्यू इन्जॉय करें तो कल्पा में आप ये कर सकते हैं बाकी किन्नौर वैली भी बहुत खूबसूरत है तो आप वो एक दिन में आराम से किन्नौर वैली इन्जॉय कर सकते हैं अब आते हैं डे थ्री पर डे थ्री के लिए भी एक चीज़ है कि अगर आप चाहें तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप रिकॉन्ग पीओ से डायरेक्ट काजा की बस चलती है आप वो ले सकते हैं अगर आपको बीच में नाको तावो ढंकर वगैरह भी घूमना है तो फिर आपको एक दिन और एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि नाको तावो भी स्पीति के मस्ट विजिट प्लेसेस में आता है तो मैं उनको भी लेके चल रहा हूँ डे थ्री में अगर मैं बात करूँ तो आप पीओ से नाको की बस ले लें और नाको में जाके नाको लेक को इन्जॉय करें उसके बाद में आप ताबो जा सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं वहाँ पर डे फोर नाको टू काजा तो आज वो फाइनली चौथा दिन है और आप फाइनली आप स्पीति वैली में एंटर कर जाएंगे लाइक बेसिकली आप काज़ा पहुँच जाएंगे तो नाको से काजा जाने में आपके तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ेंगे सबसे पहले तो आएगा ग्यू मोनीस्ट्री उसके बाद में आएगा ताबो उसके बाद में आएगा धनकर मोनीस्ट्री धनकर का फोर्ट भी है तो अब क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आपके लिए ये तीनों जगह घूमना थोड़ा सा मुश्किल होगा अगर आप धनकर गए तो आपको फिर अगली बस का वेट करना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट डे आने वाली है तो फिर आपको यहाँ पे या तो अब आप आपको ये तीन पॉइंट मिस करने पड़ेंगे या फिर आपको एक दो दिन और बढ़ाकर ये सारी जगह विजिट करनी पड़ेंगी तो आप उस हिसाब से ये देख सकते हैं बाकी हाँ ये पॉइंट्स भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ताबो की मॉनिस्ट्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे दलाई लामा जी भी जा चुके हैं उसके अलावा उस एरिया की बहुत पुरानी मॉनिस्ट्री है और मटका यूज करके ये मॉनिस्ट्री बनाई गई है तो वो देख सकते हैं आप उसके अलावा वहाँ पे केव्स है और ग्यू मोनिस्ट्री है वो तो अपने आप में ही एक अजूबा कह सकते हैं उसको वो सब या तो आपको मिस करना पड़ेगा अगर आप वो सभी देखना चाहते हैं तो फिर आपको एक से दो दिन और चाहिए डे फाइव आज आपको काजा से हिक्किम लंगजा और कॉमिक वाले रूट पे जाना है ये तीनों गांव मैंने एक साथ में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये तीनों एक डायरेक्शन में पढ़ते हैं उसके अलावा अगर मैं किबर की और चीचम वगैरह की बात करूं तो वो दूसरे रूट पर हैं और इससे थोड़ा डिफरेंट अब क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आप कॉमिक वगैरह में रुक नहीं सकते क्योंकि आपको जो नेक्स्ट डे बस मिलेगी वो आपको काजा से ही मिलेगी तो आपको सवेरे सवेरे कुछ ऐसा करना है कि आपको आ, स, अर्ली मॉर्निंग जब के अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा लेकिन अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन विलेज़ के लिए नहीं मिलेगा तो आपको करना क्या है मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप दूंगा कि आप ये कर सकते हैं आप जिस हॉस्टल में या जिस होम स्टे में रुके हुए हैं वहाँ से बहुत सारे लोग होंगे जो इन गाँव को विजिट करने जाने वाले होंगे आप उनसे लिफ्ट ले सकते हैं या आप उनके साथ में टैक्सी में जा सकते हैं और जो भी जो भी किराया बनता है वो आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में तो ये हुआ था क्योंकि मैं फ़ोटोग्राफी कर लेता हूँ तो किसी ने मेरे से कहा था किसी लड़की ने मेरे से कहा था कि आप मेरे साथ चल लो मैं आप मेरे साथ में जा सकते हो आप मेरी फ़ोटो क्लिक कर देना तो बेसिकली मतलब मैंने उनके फोटो क्लिक किए उन्होंने मेरे को एक तरीके से लिफ्ट दी यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इन गांवों के लिए जो हिक्किम का पोस्ट ऑफिस है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है मैं वहाँ पे गया था मैंने उस टाइम पे मैंने किसी को कुछ लेटर वगैरह पोस्ट नहीं किया था बट मेरे जो साथ में लोग थे उन लोगों ने पोस्ट किया था उसके अलावा जो लंगज़ा विलेज है वहाँ पे उसको फॉसिल विलेज भी कहा जाता है और वहाँ पे एक बुद्धा की स्टैचू है जो वैली साइड में देखती है तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और इसी लिस्ट में जो कॉमिक विलेज है वो वर्ल्ड का हाइस्ट मोटरेबल विलेज है तो आप ये चीज़ वहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं डे सिक्स आज डे सिक्स में आपको आज आपको जाना है की मॉनिस्ट्री चीचम और उसके बाद में आपको जाना है किब्बर विलेज तो अब की मॉनिस्ट्री के बारे में आपको पता है इस एरिया की सबसे पुरानी मॉनिस्ट्री है और जो चीचम ब्रिज है वो एशिया के वन ऑफ द हाइस्ट ब्रिजेज़ में आता है तो आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं और किब्बर के बारे में दो चीज़ें हैं मैं जो आप लोगों को स्पेशली बताना चाहूँगा अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो किब्बर इज़ वेरी फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड्स तो आप विंटर में वहाँ पे स्नो लेपर्ड देखने के लिए जा सकते हैं लेकिन अगर आप गर्मियों के टाइम पे जा रहे हैं तो यहाँ से एक बहुत ही सुंदर ट्रैक जाता है लद्दाख के लिए लद्दाख में भी स्पेशली सो मरीरी के लिए और इस ट्रैक का नाम है परांगला काफ़ी अच्छा ट्रैक है चार से पाँच दिन का ट्रैक है किब्बर से लेकर सो मरीरी तक का अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ये ट्रैक मेरे हिसाब से आपको जरूर ट्राई करना चाहिए स्पीति भी एक रिमोट लोकेशन पर है और ऑब्वियसली सोमरी भी रिमोट लोकेशन पे है तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपको पूरा आप हिमाचल से लद्दाख में चले जाओगे एक चार पाँच दिन के ट्रैक में तो ये ट्रैक आप प्लान कर सकते हो अगर सब ठीक रहा तो बहुत जल्दी ही मैं इस ट्रैक को करने वाला हूँ देखते हैं कब तक होता है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो आप किब्बर या किसी भी विलेज में रुक नहीं सकते हैं इसलिए आपको शाम तक आपको काज़ा आना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी जो अगले दिन के लिए बस रहेगी वो आपको काजा से ही मिलने वाली है अब आते हैं डे सेवन पर तो डे सेवन में आपको पिन वैली जाना है मुद का लास्ट विलेज है आपको वहां तक पहुंचना है मुद की मैं एक खास बात बता दूँ, मुद से दो बड़े ही फेमस ट्रैक जाते हैं एक तो है पिन पार्वती पास दूसरा है पिन भावा पास तो पिन पार्वती पास है वो आपका जो खीर गंगा वाला इलाका है पार्वती वैली बेसिकली मणिकरण के पास में आपका वो ट्रैक आपका पिन वैली से लेकर आपका पार्वती वैली में आता है इसी वजह से उस ट्रैक का भी नाम है पिन पार्वती पास और दूसरा पास है पिन भाभा पास जो कि आपको पिन वैली से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लेके जाता है दोनों ही काफ़ी अच्छे ट्रैक हैं आप अगर आप ये ट्रैक करना चाहते हैं तो फिर आपको गाइड वगैरह और प्रॉपर राशनिंग वगैरह वो सब करना पड़ेगा बट बहुत बहुत ही शानदार ट्रैक है पिन पार्वती तो मैं क्या ही कहूँ पिन पार्वती में आप पिन वैली का जो एकदम पूरा ऐसे वेरन लैंड है आप उसके बाद में सीधा ग्रीनरी में जाते हो जो कि छिरगंगा और मणिकरण वाली साइड है आप उस तरफ जाते हो बेसिकली आप लाहौलैंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट से सीधा आप कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हो तो काफ़ी अच्छे ट्रैक डे नाइन अब डे नाइन में आपको काजा से जाना है चंद्रताल चंद्रताल बहुत ही सुंदर लेक है लाइक अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको ऐसे लगेगा कि आप पेंगोंग लेक के सामने खड़े हैं तो वो वाला एक फील आता है और इसका नाम चंद्रताल इसी वजह से है क्योंकि इसका जो शेप है वो मून जैसा है तो इसी वजह से इसका चंद्रताल नाम है चंद्रताल के बारे में मैं आपको एक दो बातें बताना चाहूँगा जो कि ज़रूरी भी हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये कि चंद्रताल के थोड़ा सा ऊपर से एक रिवर आती है चंद्रा रिवर और वो रिवर आपके साथ में बाद में आपको कुंजुमला होते हुए फिर वो आपको नीचे आती है और यही वो रिवर है जो कि तांडी में आके भागा रिवर से मिलती है आपने देखा होगा जब आप बारालाचा जाते हैं तो आपके साथ में एक नदी आ रही होती है नीचे की साइड में अगर आप बारालाचा से स्पेशली मनाली साइड आ रहे होते हैं तो आपके साथ में एक नीचे नीचे नदी आती है तो वो नदी होती है भागा और जो चंद्रताल के ऊपर से आती है वो है चंद्रा जब ये दोनों रिवर तांडी में आके मिलती हैं तो इसका फिर नाम हो जाता है चंद्रभागा रिवर और यही वो नदी है जो कि जम्मू कश्मीर में जाके चिनाब रिवर बनती है तो ये एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे जरूरी लगी आप लोगों को बतानी चाहिए तो मैंने बताई ए डे ट में आपको चंद्रताल से मनाली आना और उसके बाद में मनाली से आपको दिल्ली आ जाना है अब जब आप चंद्रताल से मनाली आएंगे तो यहाँ से आने के अब दो रास्ते हैं एक तो रोहतांग वाला रास्ता है जो कि आप ग्रह्मपुर से सीधा ऊपर आ जाएंगे रोहतांग होते हुए उसके बाद में आप मड़ी गुलाबा होते हुए मनाली पहुँच जाएंगे दूसरा जो रास्ता है वो है आपका अटल टनल वाला पहले आप ग्रहपुर से थोड़ा आगे जाएंगे फिर आप अटल टनल में जाएंगे उसके बाद में आप सोलांग वैली उसके बाद में मनाली तो आपको जो सही लगता है आप वो ले सकते हैं अब वो क्योंकि अब आप आपके पास तो ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं ना क्योंकि आप तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हो तो वो जिधर से भी लाएगा आपको उधर से ही जाना पड़ेगा और इस रूट की मैं एक चीज और आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि अगर आप ये वाला रूट अगर आप विंटर्स में कर रहे हैं विंटर्स में आप हद से हद लोसर तक जा पाएंगे लोसर के बाद आप जा नहीं पाएंगे तो लौटते टाइम आप और सांगला को अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं तो आपके दो चार दिन आप वहाँ पर भी इंजॉय कर लेंगे क्योंकि वास्पा वैली भी बहुत सुंदर है स्पीति वैली को अभी रिसेंटली दो मूवीज में दिखाया गया है अभी तो रिसेंटली जब केसरी आई थी तो काजा से छह सात किलोमीटर दूर एक रांगरिक करके कुछ तो गाँव है वहाँ पर केसरी के काफी सीन शूट किए गए थे और इससे पहले एक मूवी आई थी हाईवे रणदीप आलिया भट्ट की तो वो हाईवे मूवी में भी की मॉन्स्ट्री दिखाई गई और भी बहुत सारे प्लेसेस दिखाए गए हैं और भी कई सारी मूवीज होंगी जिसमें स्पीति वैली को दिखाया गया होगा पर उन मूवीज के बारे में मुझे नहीं पता है बट ये दो मुझे पता थी तो मैंने आपको बता दी अब बात कर लेते हैं उन लोगों की आइटनरी के लिए जो कि अपना पर्सनल व्हीकल रख के जाने वाले हैं जो कि अपना कार या फिर बाइक से जाने वाले हैं अब उन लोगों की आइटनरी की बात कर लेते हैं तो पहले दिन की राइड में आपको दिल्ली से लेकर शिमला या नारकंडा तक पहुँचना है बेसिकली शिमला में क्योंकि बाकी नॉर्मल टूरिस्ट की बहुत भीड़ रहती है तो इस वजह से आप नारकंडा जाकर रुके डे टू नारकंडा टू छितकुल तो अब दूसरे दिन आपको नारकंडा से लेकर छितकुल पहुंचना है बीच में एक सराहन करके जगह है जहाँ पे भीम काली का मंदिर है आप वहाँ जा सकते हैं ऑन रोड ही है तो आप आराम से उस मंदिर पे दर्शन करके आ सकते हैं डे थ्री छितकुल टू कल्पा तीसरे दिन आप छितकुल से सांगला आएंगे सांगला में थोड़ा टाइम दे सकते हैं वहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने के लिए एक दो घंटे में आप वो विजिट कर लें और उसके बाद में सांगला से आप रिकोंग पियो जाएँ और वहाँ से कल्पा आ, मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप कल्पा में जाके स्टे करें वो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा आप ज़्यादा अच्छे व्यू इन्जॉय कर पाएंगे डे फोर रिकोंग से ताबो अब आपकी राइड का चौथा दिन है तो आप चौथे दिन में आप रिकोंग पियो या कल्पा आप जहाँ भी रुके हैं आप वहाँ से शुरू करेंगे उसके बाद में आप इस पर लो नाको होते हुए आप ताबो पहुँचेंगे तावो से कुछ पहले ग्यू मोनिस्ट्री है मस्ट विजिट है आप जरूर जाए वहाँ पर डे फाइव तावो टू पिन वैली तो पाँचवें दिन आपको तावो से शुरू करके पहले तो आपको धनकर पहुंचना है धनकर में मोनिस्ट्री है धनकर फोर्ट है अब वो विजिट करें और धनकर के बाद में आपको पिन वैली जाना है जो कि जो मेन रोड है वहाँ से लगभग थर्टी फाइव किलोमीटर्स है पिन वैली का जो लास्ट विलेज है वो है मुद आपको मुद तक जाना है और आप रात में मुद में स्टे कर सकते हैं डे सिक्स पिन वैली टू काजा आज आपकी राइड का छठवा दिन है और आपको पिन वैली से काजा आना है तो काजा में आके आप काजा के लोकल जो साइट सीन्स हैं वो देख सकते हैं काजा में मोनिस्ट्रीज हैं काजा की मार्केट है क्योंकि आप इतने दिनों बाद थोड़ा ठीक सी मार्केट में आएंगे तो तो वहां पर आप कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं लाइक जो तिब्बतन फ्लैग्स होते हैं डे सेवन काजा हम लंगजा कॉमिक ये तीन ब्रिजेस का सर्किट है आप ये विजिट करके आ सकते हैं डे सेवन में उसके बाद आप चाहें तो रात में आप कॉमिक में ही रुक जाएं या फिर रात में आप काज़ा रुक सकते हैं डे एट काजा की कीमोनिस्ट्री चीचम किबर और लोसर आप इस दिन की शुरुआत आप काज़ा से करेंगे या आप जहाँ भी रुके हुए हैं या आप अगर आप कॉमिक में रुके हैं तो आप इस दिन की शुरुआत वहाँ से करेंगे उसके बाद में आप की मोन्स्ट्री विजिट करेंगे उसके बाद में आप जो चीचम का ब्रिज है वो विजिट करेंगे उसके बाद में आप किबर विलेज विजिट करेंगे जब आप ये एरिया विजिट करेंगे तो आपको वापस काजा नहीं आना पड़ेगा एक रोड है जो कि आगे जाता है और जो हाईवे है, है आपको उसमें कनेक्ट करता है मतलब आप लोसर में रात में रुक सकते हैं डे नाइन लोसर टू चंद्रताल तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है क्योंकि आप लोसर से शुरू करके आप चंद्रताल पहुंचेंगे और आप रात में जो आपका स्टे है वो चंद्रताल में कर सकते हैं डे टेन चंद्रताल से मनाली और उसके बाद में दिल्ली तो आपकी ट्रिप का ये आखिरी दिन हो सकता है जब आप चंद्रताल से शुरू करके मनाली पहुँचेंगे और उसके बाद में आप मनाली के बाद में दिल्ली आ सकते हैं तो ये वाली आइटनरी बेसिकली जो अपनी बाइक लेके जाने वाले हैं या अपनी कार लेके जाने वाली है उनके लिए है और इसके पहले जो आइटनरी थी वो उन लोगों के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करने वाले हैं तो आप बजट की बात कर लेते हैं जो लोग सोलो जा रहे हैं या जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने वाले हैं मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात करूंगा यहाँ पर वो लोग ऐसे मान के चलें कि कम से कम उनके दस दिन में दस हज़ार तो खर्च हो ही जाएंगे लाइक like आप पहले दिल्ली से शिमला जाएंगे फिर आप रिकॉम प्यो जाएंगे उसके बाद में आप काजा जाएंगे तो फिर रात में रुकना भी है कहीं ना कहीं पे और अगर मैं मैक्सिमम खर्चे की बात करूँ तो वो कितना भी जा सकता है लाखों रुपये की भी ऊपर जा सकता है तो इट्स टोटली ऑन यू कि आपके पास क्या बजट है और आपको कहाँ पर क्या खर्चना है आप उस हिसाब से देख सकते हैं तो स्पीति वैली के सर्किट को लेकर ये एक मेरी पूरी आइटनरी थी अगर इस आइटनरी में मैंने कोई जगह मिस कर दी है या मैं या मैं उन जगह के बारे में नहीं बता पाया हूँ तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आपको ये आइटनरी कैसी लगी आप प्लीज़ बताएं आ, मुझे अच्छा लगेगा या फिर आपका कोई दोस्त या और कोई भी स्पीति वैली जाने का प्लान कर रहा है तो आप उन लोगों के साथ में ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए नमस्कार